co-initial vector. Co-initial का मतलब ही जैसे कि word है co-initial की मतलब एक ही point से start होते हैं, उसे co-initial कहते हैं. Vectors which are started from one common point. ये देखो एक ही common point से start हो रहे हैं. Are said to be co-initial vector. एक ही common point से जो vector start होते हैं उन्हें कहते हैं co-initial vector. जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और एक वेक्टर है डी, ये सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. ए बी सी डी आर को इनिशियल वेक्टर, ठीक है. कहीं कोई बना सकते हो आप, ये नहीं कि ऐसे करके याद करो ए बी सी डी, कैसे भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट. व्हाट आर टेंसर्स? टेंसर्स क्या? सम फिजिकल क्वांटिटीज आर, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं वो ना ही स्केलर होती हैं और ना ही कैसी होती है, वेक्टर होती है. स्केलर भी नहीं होती, वेक्टर भी नहीं होती, ठीक है. तो सो दे आर कॉल्ड टेंसर्स, उन्हें कहते हैं टेंसर. जो स्केलर भी ना हो, वेक्टर भी ना हो, उनका नाम क्या होता है? टेंसर्स. जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसे ध्यान रखना, बहुत कम है ये, यही है बस. एक आध जो जो हो रही है रिसर्च आगे को एड होती जा रही है इनमें. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब टेंसर्स है, ठीक है. एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करना है हमने. एडिशन ऑफ वेक्टर इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड. वेक्टर्स का जो एडिशन होता है, टू वेक्टर, थ्री वेक्टर, फोर वेक्टर स्टेप्स हैं, उनका एडिशन करना है आपने. तो एडिशन के क्या क्या लॉ होते हैं, कैसे कैसे उन्हें प्रूव करेंगे, तो सभी इसके अंदर आएगा. तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ होता है कि ट्रायंगल के से हम जो है, जैसे हमें ए बी वेक्टर दिए हैं, मान लीजिए आप इसमें ना एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, इसको समझ लो पहले अलग से. जैसे एक वेक्टर ए दिया है, ठीक है, ये वेक्टर दिया है ए, ठीक है, ये वेक्टर है 5 यूनिट का, 5 सेंटीमीटर ले लो जी, या 5 सेंटीमीटर, ए वेक्टर 5 सेंटीमीटर है और ये ईस्ट में दिया है, ईस्ट में, ठीक है. ये तो ऊपर वाला आपने कर ही दिया, इसको हम हटा देते हैं ऊपर वाले. जैसे मान लीजिए ये हम समझा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है. तो एक वेक्टर दिया है ए, वो दिया है आपके 4 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर भी मत लो जी, आप ए वेक्टर लो 4 किलोमीटर. ये ड्रॉ ही नहीं कर सकते आप लाइन 4 किलोमीटर की, तो लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो ऐसा वाला समझो 4 किलोमीटर. एक बी वेक्टर, और वो भी ईस्ट दिया है, ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में, और एक दिया है आपके 5 किलोमीटर, ठीक है. ये दिया है समझ लो नॉर्थ, ये दिया है नॉर्थ, एक दिया है ईस्ट, एक दिया है नॉर्थ. और अगर हैवी बनाना है तो हम लिख देते हैं ईस्ट ड्यू नॉर्थ, ईस्ट ड्यू नॉर्थ एट 30 डिग्री. ईस्ट से कहां की ओर को, नॉर्थ की ओर को, और 30 डिग्री के एंगल पर ये दिया. और हमने इनका एडिशन करना है, यानी हमने ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी ये आ गया मान लो. तो यही है एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ. इसे हम ट्रायंगल लॉ से ही करेंगे, इसे हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे कि क्या लिखा है, ठीक है, इससे आप अच्छी तरह समझ जाओगे. तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले ना स्केल मानना पड़ता है, स्केल इसके अंदर पहले स्केल मानना पड़ता है. जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की तो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते लाइन, तो स्केल मानना पड़ता है. स्केल आप मान लो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो आपके कॉपी पे ड्रा हो सके. 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर सपोज कर लो, तो 4 किलोमीटर कितना हो गया, 4 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर आपने सपोज कर लिया, ठीक है. तो देयरफॉर 4 किलोमीटर इक्वल टू हो गया आपके 4 सेंटीमीटर, एंड 5 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर. ये हम ड्रॉ करेंगे,
तो पहले हम ए बनाएंगे, ए है 4 किलोमीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर, वो भी ईस्ट। अब आपको एक बात पता है, ये इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट को भी हम ई लिख देते हैं, ई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसे आप ध्यान रखना, इसको यही हम फॉलो करेंगे आगे को भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ए, ए है ईस्ट में, ईस्ट में यानी इधर को कितने सेंटीमीटर की वो खींचेंगे हम लाइन, 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर है ना, तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ए को डिनोट करेगी, वो भी ईस्ट में। फिर जो इसका हेड है ना, हेड, उसको हम क्या करेंगे, देखो डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे, ऐसे करेंगे डॉटेड से, स्केल से सीधा, और हम यहां पर एंगल बनाएंगे, क्या कह रहा है ईस्ट, ये कह रहा है ईस्ट ड्यू नॉर्थ, मतलब बी जो है कितना 5 सेंटीमीटर बनाना है, बट कहां को बनाना है, ईस्ट में ही बनाना है, बट ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ का मतलब नॉर्थ की ओर को ऊपर, ये देखो ये बना दिया 30 डिग्री बना देंगे हम। ध्यान रखना एंगल हमेशा एंटी क्लॉक वाइज बनते हैं, एंटी क्लॉक वाइज का मतलब ऐसे जाएंगे ऊपर को, ऐसे करके एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक क्लॉक समझते हैं घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है, उसके उल्टा, उल्टे डायरेक्शन में हमेशा ध्यान रखना एंगल ऑलवेज एंटी क्लॉक वाइज बनेंगे कॉपी के ऊपर, ये रूल है पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक इसका, ठीक है। तो आप ऐसे करके एंगल बनाएंगे ऊपर को, ऐसे करके ऊपर को, ऊपर को जाएंगे, तो आपने ये बना दिया एंगल 30 डिग्री, और ये जो आपने ड्रॉ करी लाइन इसमें से 5 सेंटीमीटर काट लिया, 5 सेंटीमीटर मान लो इतना ही बैठ रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया बी, बी तो इसका टेल और इसका हेड, बाद वाले का हेड और स्टार्टिंग का टेल, इनको मिला देंगे स्केल से, ये मिला दिया, इसको हम स्केल से कर लेंगे मीजर, जितना भी आएगा वो ए प्लस बी होगा, जो आएगा मीजर करके वो ए प्लस बी होगा, और वो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में कि इतना सेंटीमीटर, ठीक है। वो जो जितना भी सेंटीमीटर आएगा उसकी किससे, आपने जो स्केल है, स्केल कितना लिया था 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो जितना सेंटीमीटर आएगा उतना ही किलोमीटर हो गया वो। जैसे ये आपने 8 सेंटीमीटर मापा, 8 सेंटीमीटर मीजर किया मान लो, कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो 8 किलोमीटर ही हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है, तो वो 8 किलोमीटर हो गया। और ये एंगल देख लेंगे, ठीक है ना, ये एंगल देख लेंगे कितना है, डी जो होता है डी, उससे डी से ही देखेंगे इसे कितना होता है ये एंगल, वो एंगल देखते हैं, फ्रॉम लिखा जाएगा, फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से कहां की ओर को है एंगल, नॉर्थ की ओर को, तो ईस्ट ड्यू नॉर्थ इतना डिग्री, जितना भी हो, क्लियर हो गया। ऐसे करके एडिशन निकाला जाता है इस मेथड से, ट्रायंगल मेथड। अब इसे पढ़ो, ये ग्राफिकल कहलाता है, ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ये चीज ग्राफ पे बनाई जाती है, ग्राफ पेपर पर करते नहीं है, कॉपी पे ही कर लेते हैं सीधे, स्केल पेंसिल डी उससे कॉपी पे ही कर लेते हैं, ठीक है। कहते ग्राफिकल मेथड है क्योंकि ग्राफ के ऊपर बनता है, ग्राफ पेपर पे। अब देखो इसे पढ़ो, ये हमने क्या लिखा, लेट देयर आर 2 वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी दो वेक्टर है, वही जैसे वहां सपोज किए, ए इज टुवर्ड्स ईस्ट, मान लिया ए ईस्ट की ओर है, तो यहाँ लेट लगा देते हैं लेट, ठीक है, ए इज टुवर्ड्स ईस्ट, ए ईस्ट की ओर है, एंड बी इज एट ईस्ट ड्यू नॉर्थ एट एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा पे है, बी ईस्ट ड्यू नॉर्थ, ऊपर के नॉर्थ को थीटा एंगल, ठीक है। फर्स्टली वी ड्रॉ मैग्नीट्यूड ऑफ ए टुवर्ड ईस्ट, ए का जितना भी क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा वो हम ईस्ट की ओर को ड्रॉ कर देंगे, देखो ये बना दिया, ठीक है। नाउ वी मेक एन एंगल थीटा एट द हेड ऑफ द ए, ये हेड, ए का हेड है, यहाँ पर एंगल थीटा बना देंगे, कहते हैं इसको डॉट डॉट से आगे बढ़ाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे, ये ड्रॉ करेंगे लाइन, उसमें से कट कर लेंगे बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर कट कर लेंगे इसमें लाइन, ठीक है। वी कट मैग्नीट्यूड ऑफ बी फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन में से, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो जाएगा, वी जॉइन द टेल ऑफ ए, ए की टेल और बी का हेड,
टेल टू द हेड ऑफ बी रिजल्टेंट वेक्टर शोस ए प्लस बी, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये शो करेगा ए प्लस बी को, और वी फाइंड एंगल फाई, डी से एंगल फाई निकालेंगे। ये एक प्रोसीजर हो गया इसका, और इसका एग्जाम्पल हमने ये आपको समझा दिया, ये एग्जाम्पल था जो समझाया, क्लियर हो गया। बिल्कुल एडिशन इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही वो आएंगे न्यूमेरिकल्स कि इनको प्लस करने वाले, ए प्लस बी निकालो, ए माइनस बी निकालो। तो अभी तो एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं चल रहा, ठीक है, जरूरी एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ये, ठीक। इसके बाद हम करते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब चलेगा इसी का जो अभी आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल्स वाला मेथड किया था, उसी का एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड को मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं, एनालिटिकल मेथड को मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं। आप इसके ब्रैकेट में मैथमेटिकल मेथड भी लिख सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ठीक। तो ये जो रूल लिखा गया है, ये वाला रूल आप उसके अंदर शुरू में भी लिख सकते हो, जैसे आपने हेडिंग डाला था ना लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल वाला मेथड, वहां भी लिख सकते हो आप इसे। क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, यदि दो वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा, देखो एक साइड ए है एक साइड बी है, और एक ही ऑर्डर में है, देखो इधर को चल रहा है ये भी ऊपर को चल रहा है, ठीक है। दो साइड एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल की दो साइड ए और बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, by two sides of a triangle taken in the same order, same order का मतलब होता है देखो ये इधर इधर एक ही order में हो गया, एक ही direction में हो गया, means anti-clockwise direction हो गई, anti-clockwise, ये देखो anti-clockwise, then their resultant, इनका जो resultant होगा, ठीक है, then their resultant is represented by third side, third side ये है, इस third side से represent होगा in the opposite order, ठीक है, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट कैसे, देखो ये तो चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे करके ऐसे, ये भी ऐसे करके है, ठीक है, लेकिन ये देखो कैसे है ऐसे, ये देखो आप, ये अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है ये वाला, ऐसे पता चलता है ऑर्डर का कि आप जो है ना यहाँ पर एक खूटा गाड़ दो यानी कील गाड़ दो यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांध दो, यहां से यहां तक इस साइड तक ये खूटा गाड़ दिया, रस्सी बांध दी, तो ये जो फोर्स है, ये जो एरो लगा है फोर्स, ये इसे कैसे ले जाएगा, देखो ऐसे ले जाएगा, ऐसे घुमाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसका ऑर्डर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब ये यही पे खूटा गड़ा है यानी कील गड़ी है, यहां से यहां तक की रस्सी हो गई, एरो देखो कहां को बना है, ये कहां को लेके जा रहा है, ऐसे करके घुमाएगा इसे ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला। अब इसको चेक करो, यहाँ पे कील गार्ड रखी है आपने, ये है रस्सी, और देखो इसका एरो कहाँ को है, ऊपर को, यानी ये कैसे घुमाएगा उसे, ऐसे करके रस्सी को ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, ऐसे 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 करके रोटेट करेगा, इसका मतलब ये इनके अपोजिट ऑर्डर में है, ये क्लॉकवाइज है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, यही कहना चाहता है वो, थर्ड साइड ऊपर ट्रायंगल इन द अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी ये वाली थर्ड साइड। तो ये जो होगा थर्ड साइड, ये इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी, ठीक है, आर जो होगी ए प्लस बी के बराबर होगा। अब इसको प्रूफ करके दिखाना है मैथमेटिकली, इसका जो आर का प्रूफ है वो निकालना है हमने कि कितना होगा कैसे होगा। इस एंगल को हमने अल्फा सपोज कर लिया है, इस एंगल को जो ए और बी के बीच का एंगल है गिवन है वो थीटा ले लिया है, थीटा। हमने क्या किया कि ये जो है ना साइड, इसको आगे प्रोसीड किया डॉट 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 से, और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, ये ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये किया, ठीक है। तो अब आप देखो, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ओपी एंड पीक्यू, ये देखो ओपी, ओपी से ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, पीक्यू से बी वेक्टर हो रहा है, पीक्यू से बी वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। रिजल्टेंट इज आर, इनका रिजल्टेंट आर है, ये रहा आर, रिप्रेजेंटेड बाई ओ क्यू,
ओ क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है रिजल्टेंट आर। क्लियर हो गया। वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हमें इस आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, एंड एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, ये दो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वी प्रोड्यूस साइड ओपी, ओपी साइड को हम प्रोड्यूस कर देंगे, प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ा देंगे, एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे टू ओपी, ओपी के ऊपर, ओपी के ऊपर, जो ओपी को प्रोसीड किया है इसके ऊपर, तो वो क्या हो गया क्यू ई परपेंडिकुलर हो गया, क्यू ई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो लेट एंगल क्यू पी ई, कहाँ है देखो क्यू पी ई, इसको थीटा सपोज कर लिया, थीटा गिवन है ये, तो थीटा मान लिया इस एंगल को भी थीटा है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ई क्यू, देखो पी ई क्यू, इस ट्रायंगल को देखना, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ना, बेस अपॉन हाइपो, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है पी ई, ये देखो पी ई, और हाइपो, हाइपो कितना है बी, ये बी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी पी ई इक्वल टू आ गया बी कॉस थीटा, ये PE निकल गया, PE किसके बराबर है B cos थीटा। अब इसी ट्रायंगल के अंदर, इसी ट्रायंगल में एक बार लगा दिया sin थीटा, वो होता है आपको पता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपो, हाइपो ये है। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कि ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, एंगल कोई तुमसे कहे कि भाई इसके अंदर परपेंडिकुलर बताओ, ठीक है, जैसे हम ये बता रहे थे आपको, जैसे ना ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा, तो किसी ने जैसे अब हम इस एंगल को हटा दें, ठीक है, और किसी ने आपसे ये पूछा, इस ट्रायंगल के अंदर आपसे ये पूछा किसी ने कि भाई इसके अंदर वो बताओ परपेंडिकुलर कौन है, आपसे पूछा ये ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल के बाद आपसे कहा इसके अंदर परपेंडिकुलर बताइए कौन है, तो आप कभी जो है ये सोचो, आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो खड़ा वाला है, तो आप ये सोचते होगे ये खड़ा वाला है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत, ये नहीं है परपेंडिकुलर। पहले उनसे जिन्होंने ये पूछा है आपसे कि इसके अंदर परपेंडिकुलर बताओ, जिसने पूछा है उससे आप ये क्वेश्चन करो कि सर इसमें एंगल बताइए, किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, एंगल, एंगल बताइए पहले, तो उसने मान लो आपसे कह दिया ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, उसने कहा ये एंगल थीटा है, तो आप ध्यान रखना एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी ये एंगल है थीटा तो ये साइड परपेंडिकुलर होगी, बेस नहीं होगी ये। अभी आप ये समझो जो ऐसा लेटा लेटा सा होता है वो बेस होता है, और जो खड़ा खड़ा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ना गलत, बिल्कुल। आप उससे पूछोगे आप एंगल बताइए किस एंगल के, पहले आप एंगल बताओ इसमें, तो उसने एंगल कहा ये एंगल मान रहा हूं मैं थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा फिर हाइपो कौन सा है, अब आप बताओ, लॉन्गेस्ट साइड हाइपो होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपो, उसके सामने वाली जो होती है, मतलब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो ये हाई है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने वाली हाइपो होती है, हाइपो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अपने आप ये क्या बचा, बेस। 90 के सामने वाली ऑलवेज हाइपो होती है, और जो एंगल उन्होंने कहा है सर ने, उसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये अदर साइड हो गई बेस, ऐसे करके होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप किसी ने कह दिया ये थीटा है, तो अब की बार ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस, ठीक है, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ आप, देखो इसके अंदर आपने देखा ये एंगल है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया, ठीक है, उस हिसाब से आपको पता है कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इसका टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, बेस है पीई, ये देखो पीई लिखा, अपॉन हाइपो, हाइपो है बी, तो ये बी हो गया,
ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो पी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा आ गया। ऐसे ही जो है इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर है क्यू ई, ये देखो क्यू ई अपॉन हाइपो है बी, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्यू ई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो पीई एंड क्यू ई आ गया, पीई ये पीई एंड क्यू ई दोनों आ गए। ठीक है, अब हमने इस कंप्लीट ट्रायंगल में ओ क्यू ई में इसमें कंप्लीट में लगा दिया क्यू ओ क्यू का स्क्वायर यानी हाइपो का स्क्वायर इसका टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देखो ये लगा दिया क्यू ई स्क्वायर, क्यू ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, क्लियर है ये वाली बात। अब देखो आप ध्यान करो ओ क्यू, ओ क्यू की जगह क्या लिख देंगे आर, आर स्क्वायर, क्यू ई कहाँ है क्यू ई, देखो क्यू ई ये रहा क्यू ई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ओ ई ओ ई ओ ई की जगह ये है ए, ए प्लस ये कितना निकाला था पी ई, और पी ई की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा है ये ए है तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया एक, ये देखो ओ ई की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा, ये समझ गया ओ ई, ओ ई ये है ये तो है बी कॉस थीटा, देखो ये रहा ये रहा बी कॉस थीटा, ये है ए तो कंप्लीट कितना हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी यानी टू ए बी कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया फॉर्मूला तो ओपन कर दिया और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इसको साइन स्क्वायर थीटा वाले को कॉस स्क्वायर थीटा वाले को एक साथ लिख लिया, इनको बी स्क्वायर कॉमन आ गया देखो दोनों में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर बाद में लिख दिया और टू ए बी कॉस, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बचा आर इसका टू अंडर रूट कर दिया, ये आंसर हो गया। इससे न्यूमेरिकल्स निकलेंगे आपके इस फॉर्मूले से। अब आप इस कंप्लीट ट्रायंगल में फिर से देखो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्यू ई अपॉन ओ ई, क्यू ई अपॉन ओ ई, क्यू ई की जगह बी साइन थीटा और ओ ई की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इससे टेन अल्फा की वैल्यू ये आ गई, इससे अल्फा एंगल निकल जाएगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक हो गया, ये प्रूव हो गया इसका कि ट्रायंगल वाले का ही है ये दूसरा मेथड। ठीक है आगे करते हैं।